Good morning to all of you, whoever watching this video. In previous video of class 9th chemistry, we were discussing about chapter 3, that is atom and molecules. And so far we have discussed till atom existence. So here is the new topic of this chapter, that is molecules. Today we are going to learn about molecules, what are molecules and how can it be formed. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. That are chemically bonded together. Basically क्या होते हैं ये molecules generally group होते हैं दो या दो से ज़्यादा atoms के. ठीक है, जो chemically एक दूसरे से bonded होते हैं. अब अगर हम कहें कि एक जो molecule होता है वो smallest part है, I mean smallest particle है matter का. ठीक है, अगर हम एलिमेंट को छोड़ दें तो. ठीक है, एक्सेप्ट एलिमेंट को लेके चल रहे हैं हम, तो नॉर्मली जो मॉलिक्यूल होता है वो अपनी एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एनवायरनमेंट. ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ये. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है of matter except, मैंने बात की थी अभी किसको छोड़कर, except element. Elements exist कर सकते हैं वो भी. आपने देखा होगा oxygen exist कर रहा है या फिर nitrogen exist कर रहा है, तो exist कर सकते हैं elements, लेकिन उनके लिए भी क्या ज़रूरी है ये मैं अभी आपको बताऊँगी. तो molecule is the smallest particle of matter which is capable of an independent existence. जो क्या है, बिल्कुल capable है कि वो independently exist कर सकें without any help. And सारी property show करता है वो किस चीज़ की, of that substance. अब ये कहने का मतलब है कि अगर हम water को ले लें, ठीक है, तो water का जो एक molecule है वो भी क्या करेगा, उस वाटर की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, ऑक्सीजन एक गैस है, गैस में से हमने एक मॉलिक्यूल निकाल लिया, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी उस गैस से अलग हो जाएंगी, नहीं होंगी. तो यही कहने का मतलब है कि भाई जो एक मॉलिक्यूल है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उस सब्सटेंस की ही शो करेगा जिसका वो मॉलिक्यूल है. ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है. नाउ हमने एग्जांपल लिया था अभी वाटर का. ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने ले लिया भाई H2O. H2O होता है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंसिस्टेड होता है, और आपको पता है रेशियो क्या होती है, 1:8. तो हम कहते हैं कि H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर, सबसे छोटा पार्टिकल है वाटर का, जो क्या करता है, शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. क्या करेगा, वो प्रॉपर्टीज शो करेगा वाटर की, सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से. ये कंसिस्टेड होता है कार्बन और ऑक्सीजन से. तो ये भी क्या करेगा, ये भी है इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है, एंड ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कार्बन डाइऑक्साइड का. ठीक है, ये आप प्रॉपरली लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करता है, शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो भी बिल्कुल उसी
पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करेगा। नाउ अब हम ये कह सकते हैं कि भाई एक जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो मे बी हो सकते हैं कि वो सेम हो या फिर वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं? अलग भी हो सकते हैं। और नॉर्मली इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला है होमोएटॉमिक और दूसरा है हेटरोएटॉमिक। तो मैंने जैसा कि बोला था कि एक मॉलिक्यूल की सेम एटम से भी बन सकता है और डिफरेंट एटम से भी बना हो सकता है एलिमेंट्स के। और जो सबसे पहला है कि भाई इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दे डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहली है होमोएटॉमिक और दूसरी है हेटरोएटॉमिक। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि होमोएटॉमिक और हेटरोएटॉमिक, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं होमोएटॉमिक की। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट के एटम्स हों। ठीक है, जो क्या है, जिसके जो एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट्स के होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हाइड्रोजन हो गया है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर है, O3 है, ओजोन है, P4 है, फॉस्फोरस एटसेट्रा। ये नॉर्मली क्या होता है कि भाई इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं होमोएटॉमिक। मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपने जैसे ही एक एटम के साथ ये केमिकली कंबाइन हो जा रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ है, ऐसे ही S8 दैट इज सल्फर के साथ है, ओजोन मतलब ऑक्सीजन से ही बना हुआ है लेकिन 3 एटम्स कंबाइन हुए हैं केमिकली, और ऐसे ही फॉस्फोरस भी एग्जिस्ट इसी फॉर्म में करता है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो 4 एटम है फॉस्फोरस के वो एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं केमिकली एंड देन एक मॉलिक्यूल बना है। तो इन सब में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये सारे के सारे सेम ही एटम से बने हुए हैं, एक ही एलिमेंट के एटम हैं ये सारे। सारे नहीं, आई मीन अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को लेके H2 बना है, H2 मॉलिक्यूल बना है। तो ये जो मॉलिक्यूल है तो ये बेसिकली एक ही एलिमेंट से आया है, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट से आया है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के केस में भी ऐसा ही है, सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर के केस में भी ऐसा ही है। इसके बाद आ जाता है जो सेकेंड कैटेगरी आती है, हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और या फिर इनको हम कह सकते हैं कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड्स भी कहा जा सकता है। तो इस केस में क्या है, इस केस में है कि इसमें जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। इट कंटेन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल आपके पास आ जाता है वाटर, सबसे बेसिक एग्जांपल है। इसके बाद आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत बेसिक है, आप पढ़ते आ रहे हैं। फिर है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया, ये भी क्या है, इसी का एग्जांपल है। हम इसको क्या कहते हैं, हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स। जनरली ये चीज़ें होती हैं जो अगर आपको ये फॉर्म दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर आपको ये फॉर्म मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हेटरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड है।
अब इसके बाद आ जाता है कि भाई नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिसिटी। अब ये एटॉमिसिटी क्या चीज़ है? देखो बेटा, ऐसा होता है कि आपने ये मॉलिक्यूल्स बना लिए, ठीक है, देख लिए हैं। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। वो क्या बताएगा हमें? एटॉमिसिटी बताता है। मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, आप देख लीजिए एक बार। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। उसको क्या कहा जाता है? उसकी एटॉमिसिटी कह दी जाती है। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल ले लिया हमने आर्गन का, ठीक है। आर्गन नॉर्मली एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, ठीक, ए आर की फॉर्म में। ये इसका सिंबल है। और अगर हमने देखना हो कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्गन एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस को किसी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है, अपने जैसे एटम्स के साथ भी जुड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये इसी नेसेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है? वन, दैट इज ये है मोनो एटॉमिक, ये मोनो एटॉमिक एलिमेंट। इसके बाद है हीलियम, ये भी मैंने आपको बताया था दिस इज ऑल्सो अ नोबल गैस, तो ये भी क्या हो जाएगा? मोनो एटॉमिक। और यहाँ हमने लिख दिया वन, इसकी एटॉमिसिटी क्या है? वन है, मोनो एटॉमिक है। नेक्स्ट है अगर हम कहें नियॉन, ये भी क्या हो गया? ये भी मोनो एटॉमिक हो गया और इसकी एटॉमिसिटी भी वन हो गई। ऐसे ही अब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की बताइए, तो ऑक्सीजन अगर एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या कहेंगे, ये इसकी एटॉमिसिटी क्या है? कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हैं? भाई दो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से केमिकली, तो इसकी एटॉमिसिटी हम कह सकते हैं कि इसकी एटॉमिसिटी है टू, तो हम इसको कहेंगे दिस इज डाया अटोमिक, ठीक है, दिस इज डायटॉमिक और इसकी एटॉमिसिटी टू है। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी नॉर्मली एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो डायटॉमिक और ये भी क्या है? टू। जरूरी नहीं है कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भाई। अब अगर आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है या फिर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है और आप देखना चाह रहे हो कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो बस उसमें कुछ नहीं करना है, अपने नंबर ऑफ एटम्स आप एक बार चेक कर लीजिए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसकी एटॉमिसिटी क्या है। ऐसे ही अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के केस में भी यही होता है। फॉस्फोरस P4, हम जानना चाह रहे हैं कि भाई इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो इसकी एटॉमिसिटी हम कह देते हैं दिस इज टेट्रा अटोमिक, ठीक है, टेट्रा मीन्स फोर, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? फोर। अब ये टेट्रा अटोमिक क्यों है? क्योंकि भाई फॉस्फोरस के चार एटम जो हैं एक दूसरे से केमिकली कंबाइन हुए हैं, तो इसलिए इसकी एटॉमिसिटी फोर हो जाएगी। और अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर ले लिया हमने S8, है ना, नॉर्मली इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, तो हमने ये ले लिया, अब यहाँ लिख लेंगे सल्फर, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है? तो अब हम इसे कह देंगे, देखो फोर के बाद ना हम मान लेते हैं कि भाई अब ये काफी ज्यादा नंबर में हो गए हैं, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम कहते हैं कि दिस इज पॉली एटॉमिक, जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते आए हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर आपने पढ़ा है ना, क्वाड मीन्स क्या होता है? फोर, और लेटरल मीन्स साइड्स, तो मतलब क्वाड्रिलेटरल कि इसकी फोर साइड्स हैं इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। इस और ट्राइंगल, ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ट्राई मीन्स थ्री और एंगल मीन्स एंगल जो कोण होते हैं, ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि भाई ये क्या है? ट्राइंगल है। ऐसे ही अगर हम पेंटागन की बात करें तो पेंटागन में क्या होता है? फाइव साइड्स होती हैं, इसलिए हम इसको पेंटागन बोलते हैं। लेकिन इसके बाद अगर जब हम चलते जाते हैं, आगे जाते जाते हैं, तो हम क्या कहने लग जाते हैं कि दिस इज पॉली,
है ना, पॉली वर्ड यूज हो जाता है, पॉली वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, ऐसे ही इन केसेस में भी होता है, ये क्या हो जाएंगे, पॉली एटॉमिक। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एटम। मैंने आपको एटम के बारे में बेसिकली बताया तो था, है ना, लेकिन अब हम थोड़ा फर्दर चलते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए उस चीज़ के लिए कि नंबर ऑफ एटम्स या फिर ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या नहीं है। तो बेसिकली एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर ये न्यूक्लियस है, क्या है ये, क्यों लिया है हमने। देखो एटम, हमें पहले पता था कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन जब हमने बाद में डिस्कवर किया, कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, तो उनको पता चला कि नहीं, एटम से भी छोटे कुछ चीज़ें हैं जो हैं उसके पार्ट्स। उनका नाम है प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इनकी डिस्कवरी हुई। तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली है प्रोटॉन और दूसरी है न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं वो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया, ठीक है, तो इसके अराउंड जो रिवॉल्व होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, मार्स है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं कि सन में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अपने ही पाथ पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है एक पर्टिकुलर पाथ पे, ऑर्बिट पे सन के अराउंड। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इनके पढ़ने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं ये, ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, आपको बस बेसिक जनरल आइडिया होना चाहिए ताकि हम जब आगे वाला टॉपिक पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। हम कहते हैं कि अब हाइड्रोजन की बात कर लें, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो है 1। 1 का मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 1 है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके एटॉमिक नंबर डिपेंड किसके ऊपर होता है, वो है प्रोटॉन के ऊपर, कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। नॉर्मली की बात कर रही हूँ मैं, इक्वालिटी में चलते हैं। तो हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो भाई हाइड्रोजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो हमने ये न्यूक्लियस बना दिया और इसके अराउंड हमने एक ऑर्बिट बना दिया, और हमने देख लिया कि भाई इसके अराउंड जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिवॉल्व करवाने हैं। तो सबसे पहले की बात कर लें तो सबसे पहला है ये, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो हमने ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। ठीक है, डालना नहीं है मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलता है हाइपोथेटिकली। तो न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अगर हम आपको इस तरीके का दिख जाए, मतलब हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इस ऑर्बिट को हम कहते हैं डुप्लेट, और इसको डुप्लेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही जगह होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही स्पेस होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो भाई फिर हमने कहा कि भाई लिथियम, लिथियम का तो 3 है, तो इसमें 2 है, तो फिर एक कहाँ जाएगा, तो वो एक कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, ये हमने डाल दिए 2, और लिथियम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा इसमें। इन सारे शेल्स के नेम भी होते हैं, इनको शेल्स भी बोलते हैं,
ठीक है, ऑर्बिट, इनको शेल्स भी बोला जाता है। तो पहले वाले शेल का नाम कहते हैं हम के है, ठीक है, और दूसरे वाले, जैसे इसका नाम हमने कह दिया ये के है और दूसरे का नाम एल, और नॉर्मली पहले वाले को क्या बोलेंगे, डुप्लेट, क्योंकि सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट, ठीक है, बस इतने ही नाम होते हैं, डुप्लेट एंड ऑक्टेट। इसके बाद जितने भी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे उन सबको हम ऑक्टेट ही कहेंगे, लेकिन उनके पर्टिकुलर जो नाम है के एल एम एन, इस तरीके से आगे चलते जाते, ठीक है। तो ये है बेसिक आइडिया, मैं दोबारा से आपको एक बार बता देती हूँ कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर पाथ पे, ठीक है, जिनको हम शेल्स भी बोलते हैं। और सबसे पहले ऑर्बिट को हम कहते हैं डुप्लेट। डुप्लेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड वाले को या फिर उससे आगे वाले सारे ऑर्बिट्स को हम कहते हैं ऑक्टेट, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऑक्ट मीन्स 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ही ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो जाएंगे, बाद में अगर जैसे 11 की बात करें, ठीक है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें हमने 2 डाल दिए, यहाँ पर हमने डाल दिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो भाई लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी 10 ही हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके। तो इस तरीके से, और इनके नाम भी होते हैं, सबसे पहले का नाम है के, सेकेंड है एल, थर्ड हो जाएगा एम। अब लेकिन हमने इनको लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई हमने ले लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी इसकी, क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो हमें इन स्ट्रक्चर्स को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इजीली हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो भाई पहले वाले शेल का नाम था के, ठीक है, फिर दूसरे का नाम एल। अब हम कह रहे हैं कि भाई 10 है, तो पहले वाले सॉरी 11 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन्स 11, तो पहले वाले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर दूसरे वाले शेल में आएंगे कितने आते हैं, 8, है ना, 8 ही आते हैं, लेकिन जब हमने इनको टोटल किया तो 10 ही हो रहे हैं। अब भी एक बच गया है तो वो हम नेक्स्ट वाले में डाल देंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे जाते हैं, आप ट्राई करेंगे, मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स बता रखे हैं, आप उस बेसिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी कि भाई ये जो एटॉमिक नंबर है ये लिया क्यों गया है और कहाँ से लिया गया है। तो आपने ये नहीं समझना है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिया गया है या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से लिया गया है, इसका एटॉमिक नंबर किस चीज़ पे पड़ा है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये जो एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, मैंने आपको 20 तक एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, आपने सारे ट्राई करने हैं, सारे फिल करके देखने हैं, तो ये जो एटॉमिक नंबर हैं आपको इतना पता हो जाएगा कि भाई इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर से इजीली हम जान सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे इस एटम में, तो आप इजीली फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं। तो आई होप आप 1 to 20, आपका होमवर्क है कि आपने 1 to 20 एटॉमिक नंबर की सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाएं, क्योंकि इस तरीके से ना लिखें, ये मैंने आपको बस समझाया है, ठीक है, इस पेज पे जितना भी है, आप जब लिखेंगे तो प्रॉपरली लिखें कि सोडियम, देन इसका एटॉमिक नंबर 11 है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट, या फिर आप कह देंगे सोडियम, इन इन द सोडियम दैट इज 11, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज के एल एम, शेल के नेम लिख दिए आपने, फिर उन शेल में आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और उससे नेक्स्ट में 1 है। ये सिर्फ मैंने सोडियम का बताया है, ऐसे ही आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के भी इजीली कर सकते हैं, तो आपने ये ट्राई करना है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।